दोस्तों, ये दादाजी पिछले 4 महीने से इस रूम में बंद हैं। जैसे ही हमारे तरुण भाई की नजर इन पर पड़ती है तो वो सबसे पहले ताला तोड़कर रूम के अंदर जाते हैं और दादाजी से पूछते हैं, आपको इस रूम में किसने बंद किया है? तो दादाजी बताते बताते रोने लगते हैं कि हमारे सगे बेटे ने हमको रूम में बंद करके गाँव चला गया है। और दादाजी बताते हैं, मेरा बेटा मुझको मारता भी था। तो तरुण भाई सबसे पहले इनको अपने गाड़ी में बैठा कर खाना उना खिलाते हैं। सिंपल सी बात है, इनको भूख तो लगी ही होगी, इसलिए इनको अच्छा अच्छा खाना खिलाकर अच्छा अच्छा कपड़ा भी दिलाया जाता है। दोस्तों, ये दादाजी जिस रूम में बंद थे वो रूम किसी नरक से कम नहीं था। हमारे तरुण भाई इनसे पूछते हैं, आपका बेटा क्या करता है? तो दादाजी बताते हैं, दारू का बिजनेस करता है और अपने गांव चला गया है। तो हमारे तरुण भाई इनको नहलाते हैं, अपने हाथों से नहलाते हैं। इनके लिए एक लाइक तो बनता है यार, इनके लिए नहीं तो हमारे तरुण भाई के लिए एक लाइक तो बनता है यार, इतना अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये दादाजी अब हमारे तरुण भाई के फाउंडेशन में ही रहेंगे, इसके लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, प्लीज यार एक लाइक कर देना।